नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। शिवभक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। शिवधाम यानी कैलाश पर्वत जाने के लिए उत्तराखंड के लिपुलेख में रास्ता तैयार किया जा रहा है। बीआरओ पिथौरागढ़ के नाभिढांग में भारत चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे तक सड़क निर्माण करा रहा है, जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि के साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए यहाँ तैयारियां तेज है। हालांकि पीएम मोदी यहां विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन उनकी यात्रा से इलाके में विकास के तेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए खास पेशकश, बुला रहा आदि कैलाश। उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर स्थित पवित्र आदि कैलाश पर्वत, जो समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर ज्वालिंग कोंग में स्थित है। ये सीमा से सटा अंतिम भारतीय क्षेत्र भी है, जहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन करेंगे और यहां ध्यान लगाएंगे। ये इलाका काफी दुर्गम है, जिसे सुधारने में प्रशासन और सेना के जवान लगे हुए हैं। पीएम के दौरे से पहले न्यूज स्टेट की टीम ने भी इन रास्तों का जायजा लिया। दूर दूर तक बाहें फैलाए हरे भरे पहाड़, हर तरफ हरियाली और इन्हीं पहाड़ों के बीच से गिरते कलकल करते झरने, जो पहाड़ का जादुई संगीत सुनाते हुए आपका स्वागत करते हैं। ये है तवा घाट। न्यूज स्टेट की टीम आज कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर है और धारचूला से हम तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे चल के तवा घाट के पास पहुंचे हैं। और ये यात्रा मार्ग है, यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये मेरे दाहिनी तरफ ये नेपाल है और ये नेपाल है। नीचे महाकाली नदी बह रही है, जो भारत और नेपाल का डिमार्केशन करती है, यानी एक सरहद तय करती है कि उधर नेपाल है और इधर भारत है। और ये सिंगोली संधि जब बहुत साल पहले हुई थी, तो ये तब की बात है जब ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके उसी के साथ ये हुई थी। तो ये चूंकि प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी में ये पूरा मार्ग आ गया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को केदारनाथ यात्रा की तरह प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, चीज की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। और ये यात्रा मार्ग अभी कंप्लीट होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। वो यात्रा मार्ग आप सामने देख सकते हैं, कुछ सड़कें बनी हैं, मशीनें लगी हैं, ये पुल भी जहां हम खड़े हैं ये भी नया बना है। तो इस यात्रा को चारधाम यात्रा की तर्ज पर चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो वो खुद यहां आने वाले भी हैं। और जब ये लोग इस यात्रा से गुजरेंगे, श्रद्धालु इस यात्रा मार्ग से गुजरेंगे, तो इस तरह के रमणीक स्थल भी उनको देखने को मिलेंगे। मतलब यानी एक मार्ग लंबा जरूर होगा, लेकिन थकाऊ नहीं होगा। अब न्यूज स्टेट की टीम पहुंच चुकी है काली नदी के किनारे नजंग घाटी में, जहां पहाड़ों के बीच से बहती काली नदी नेपाल और भारत के बीच सरहद खींचती है। ऐसा लगता है कि काली नदी की धारा से ही प्रकृति ने इस धरा का श्रृंगार किया हो। रास्ते भले ही चुनौतियों भरे हों, लेकिन सड़क का निर्माण निरंतर चल रहा है। एक जमाना था जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए लोग योजना बनाते थे, योजना ही नहीं बनाते थे, उन तमाम चुनौतियों से पार पाने के संसाधन अपने साथ जुटाने लगते थे कि जो यात्रा को पार करा दे। वो जमाना था जब पैदल यात्रा होती थी, ट्रैकिंग से यात्रा होती थी, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर मार्ग पर जो काम किया है, ये धार्मिक महत्व ही नहीं, ये सामरिक महत्व से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं नजंग घाटी में हूँ इस समय कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर, और ये काली नदी है और ये काली नदी का आप जल का वेग देख सकते हैं, इसकी कितनी स्पीड है, कितनी तेजी से ये बहती है और काफी खतरनाक भी है। महाकाली नदी को बाकी नदियों के जब तुलना करते हैं बाकी नदियों के साथ, तो महाकाली नदी का रूप ज्यादा विकराल दिखाई देता है और जहन में भी उसी तरह की तस्वीर उभरती है। ये मेरे बाईं तरफ जो पर्वत हैं, ये नेपाल का हिस्सा है, ये नेपाल है। और ये नदी जब मैंने बताया कि संगोली संधि जब हुई थी और जब ब्रिटिश हुकूमत के टाइम, तो तब ये एक सहमति बनी थी नेपाल और भारत और ब्रिटिश के बीच की, ये नदी जो है सीमांकन होगी, ये सरहद होगी, यानी ये जहां जहां से बह कर निकलेगी उसके दूसरी पार नेपाल और इस तरफ हिंदुस्तान। और ये आप उधर वो सड़क देख सकते हैं आप,
कि ये सड़क 2-3 साल पहले तक बिल्कुल कच्ची थी और पूरी तरह से कच्ची, यहाँ आना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब से 4-5 सालों से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बीच बीच में व्यवधान तो बहुत हुआ लेकिन तोड़फोड़ भी बहुत हुई, लेकिन अभी इसकी गति बन रही है। कहीं कच्चा कहीं पक्का मार्ग देखने को मिलता है, कहीं सड़क बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी हो जा रही है और कहीं अभी भी मतलब तोड़फोड़ चल रही है, कटिंग चल रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसको सुधारने के उपाय किए जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसकी तमाम टीम यहां पर लगी हुई है। इसके अलावा तमाम जो एजेंसियां हैं जो बीआरओ को सपोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिथौरागढ़, तो ये सब लोग लगे हैं और मुझे लगता है कि और 2-3 साल की ही बात होगी जब ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग तो इतना सुगम हो जाएगा कि जैसे आप किसी नेशनल हाईवे पर देश के भीतर से गुजर रहे हो। नजंग घाटी से न्यूज स्टेट की टीम आगे बढ़ी तो टीम की मुलाकात धारचूला ट्रांसपोर्ट से हुई। जी हाँ, धारचूला के पर्वतीय इलाकों में पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर छोटा मोटा सामान पहुंचाने के जिम्मा स्थानीय भेड़ बकरियों का होता है, इसीलिए स्थानीय लोग इसे धारचूला ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये बकरी और भेड़ की ऊन ही जीविका के साधन है, जो 6 महीने पहाड़ के ऊपर रहती है और 6 महीने जाड़े में नीचे धारचूला में। कैसी है जिंदगी, कितना महत्व है इन भेड़ बकरियों का, ये भी जानने की कोशिश की। देखिए, यात्रा मार्ग पर बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बात कराते हैं अपने अपने पूरे काफिले के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ। आप कहाँ से आए हैं? मैं आज छियालेख से आया। छियालेख से? कितना दूर है छियालेख? छियालेख पता नहीं, वो दिखाई दे रहा है वो उसके जड़ के। कितना कितना भेड़ है आपका? पता नहीं आपका, आपका? नहीं, गिनती में कितना भेड़ है? मेरे डेढ़। डेढ़? डेढ़। डेढ़ क्या होता है? 150। 150? अभी इन्हें लेके कहाँ जा रहे हो? ये घर मेरा यही पड़ता है। यही घर है? और छियालेख करने क्या गए थे? चुगाने के लिए। कितनी दूर? कालाबानी, ओम पर्वत। और पर्वत नहीं, वहाँ क्यों जाते हो? नीचे घास नहीं? नहीं, घास ठंडा है ना वहाँ। वहाँ ठंडा है? हाँ। तो ये कहाँ ठंड में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं? ठंडी में रहते हैं। अच्छा, तो अब ऊपर ठंड बढ़ गई तो नीचे आ रहे हो? हाँ, नीचे आ रहे। तो कितने दिन नीचे रहेंगे? अभी रहेंगे हम, कितने रहेंगे अभी, जेठ के महीने में जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? अया सिंह। अया सिंह जी, क्या कौन सा गाँव है आपका? गरबा। गरबा? गरबांग घाटी या गरबा? गरबा घाटी। अच्छा, देखिए, ये इन्होंने बताया कि ऊपर ठंड बहुत बढ़ गई है और इस वजह से अपने सारे जितने भी पशु हैं, भेड़ बकरी, और देखिए ये पूरी पहाड़ी नस्ल की बकरियां हैं और ये बिल्कुल अलग तरह की हैं और मैदानों में नहीं मिलती, और ये भेड़ हैं, ऊन का एक बड़ा कारोबार जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां होता है, चूंकि ये ठंड बहुत है यहाँ पर। तो और ये जो जीव है ये पूरी तरह से ठंड में रहता है। इनके साथ साथ ही ये सारी चीजें, अब जब ठंड वहां ऊपर बहुत बढ़ती है तो वो फिर नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने की वजह है कि ऊपर बहुत ठंड पड़ना। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए नजंग घाटी से अजीत सिंह राठी। प्रधानमंत्री अपनी पिथौरागढ़ यात्रा के दौरान आदि कैलाश यानी ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। लिपुलेख का ये इलाका संवेदनशील है क्योंकि यहां भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती है और चीन लिपुलेख को अपना बताता है। उधर नेपाल भी कालापानी पर अपना हक जताता है, हालांकि भारत की सेनाएं यहां तैनात है, और यही वजह है कि पीएम की यात्रा इन सैनिकों का हौसला भी बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा भले ही धार्मिक दृष्टि से हो रही हो लेकिन उसका सामरिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि नाभिढांग का इलाका ऐसा इलाका है जहाँ भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती है। यहीं पर ITBP की आखिरी पोस्ट है। इसी लिपुलेख पर चीन अपना कब्जा बताता आया है। ऐसे में पीएम की मौजूदगी यहां भारतीय सेनाओं का हौसला बढ़ाएगी। भौगोलिक तौर पर और सामरिक महत्व के तौर पर भी अपने देश की सीमाओं को अगर देखने का अवसर मिलता है तो उनको वाकई देखना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। मैं इस समय गुंजी से तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर नाभिढांग के आसपास हूं, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये वो क्षेत्र है जो हमेशा चाइना और नेपाल जिसको विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ऊंचे पहाड़, इनके उधर की तरफ ये तो भारत की सीमा, भारत की भौगोलिक सीमा में है, ये इनके 7-8 किलोमीटर आगे जाकर चाइना की सीमा शुरू हो जाती है।
हमारी पोस्ट यही, ये लास्ट पोस्ट है हमारी आईटीबीपी की और आर्मी की, और चाइना की सीमा शुरू हो जाती है और इधर ही लिपू लेक है। लिपू लेक जो एक जगह है जिस पर नेपाल अपना कब्जा बताता है कि, और अपने नक्शे में भी उसने एक बार लिपू लेक, लिपिया धूरा और काला पानी को शामिल करके लोकसभा से अपनी पार्लियामेंट से पास कराया था और ये कहा था कि ये क्षेत्र हमारे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र को अपना बता रहा है कि न्यूज स्टेट की टीम आज वहां उसी क्षेत्र में खड़ी है और ये पूरा सरहद का एरिया है। इस पर्वत, ऊंचे पर्वत के आगे जाकर चाइना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक आगे, और इधर मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको, ये ओम पर्वत है, तो ये सामने ओम की आकृति आप देख रहे होंगे, ये ओम पर्वत और ये सब, ये पूरी श्रृंखला भारतीय सीमा में है। लेकिन जैसे ओम पर्वत से हम आगे चलते हैं, मैं अपने सहयोग कैमरामैन से कहूंगा ओम पर्वत को थोड़ा ठीक से दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ओम पर्वत की ये श्रृंखला उधर जा रही है तो थोड़ा उधर जाकर के नेपाल शुरू हो जाता है, यानी जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये ट्रांजेक्शन है तिब्बत, इंडिया और नेपाल का। तो ये एक अद्वितीय चीज, एक अद्भुत चीज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां चाइना तिब्बत सॉरी नेपाल तिब्बत और भारत का एक ट्रांजेक्शन है, जो यहाँ सारी सीमाएं, तीनों देशों की सीमाएं यहाँ पर मिलती है। अब आपको न्यूज स्टेट के कैमरे की नजर से दिखाते हैं ओम पर्वत, जो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। हिंदुस्तान में पहाड़ों पर कई जगहों पर ओम की आकृति देखी गई है, जिसमें से एक जगह ओम पर्वत भी है जो गुंजी से विपरीत रूप पर है। ऐसा दिव्य स्थान, ऐसे लगता है जैसे साक्षात शिव ने इसकी रचना की। जब जाड़ों में इस पहाड़ पर सफेद बर्फ जम जाती है तब इसका आकार और साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से तो ओम पर्वत का दर्शन करेंगे ही, मोदी हेलीकॉप्टर से भी करीब से पर्वत को देख सकते हैं। ओम शब्द का प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, और ओम की ध्वनि ही व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली बनाती है, धैर्य और संयम का एक परिचायक भी वो है, और उसके व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास के लिए ओम का उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। और मैं न्यूज स्टेट की टीम इस समय ओम पर्वत पर है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रकृति की गोद में यानी हिमालय पर्वतों पर ओम की आकृति 8 जगह बताई गई है, एक हिमाचल में है और अलग अलग जगह उनको बताया गया है, लेकिन जहां ओम की स्पष्ट आकृति जो कुदरत ने बनाई है, जो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर की ही लीला है, अगर जो कहीं दिखती है तो यहाँ गुंजी से ऊपर नाभिढांग जो एक बॉर्डर पॉइंट हम कह सकते हैं, जहां हमारी आखिरी पोस्ट है मिलिट्री की और आईटीबीपी की, वहां पर आप ओम की आकृति मेरे सामने इस पर्वत पर देख सकते हैं। इसको ओम पर्वत के नाम से जाना जाता है और यहाँ तमाम पर्यटक आते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी में ओम पर्वत और आदि कैलाश ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मूवमेंट काफी हो रहा है। सामने आप ओम की आकृति को गौर से देखिए, ये ओम की आकृति किसी व्यक्ति ने नहीं, कुदरत ने बनाई है, और केवल प्रकृति ही इस तरह का सर्जन कर सकती है। इस तरह की आकृति किसी पहाड़ के बिल्कुल शीर्ष पर उकेर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। ये जो पूरा इलाका है, ये इस ओम पर्वत के पीछे दो पर्वत छोड़कर नेपाल की सीमा है, और मेरे बाई ओर अगर आप इस ऊंचे पर्वत के 8-9 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ये चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। यानी ये एक ऐसा पूरा पॉकेट है हिमालय का कि जहाँ तीन देशों की सीमाएं मिलती है। अब आपको लिए चलते हैं काली नदी के उद्गम स्थल काला पानी। यहाँ काली माता का मंदिर है। कहते हैं कि पीछे पहाड़ों से आता ये पानी पहले माँ काली के पैरों का स्पर्श करता है, फिर इस तालाब से निकलकर आगे महाकाली नदी का रूप ले लेता है। नेपाल भी काफी समय से इस जगह पर अपना अधिकार जताता आया है। और मैं इस समय ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय स्थान पर हूँ कि जहाँ काली माई का मंदिर है। ये काली माता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में जो पीछे ऊंचे पर्वत हैं, उन पर्वतों से पानी इस मंदिर के नीचे से होकर आ रहा है, और माता के चरण स्पर्श करने के बाद, काली माता के चरण छूने के बाद, ये पानी यहाँ से आगे बढ़ता है। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं, जो छोटा सा एक तालाब आप देख रहे हैं काली माता के मंदिर में, ये आप इसको काली नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। और ये यहाँ से जब पानी थोड़ा आगे बढ़ता है तो ये पानी बढ़कर आगे ये काली नदी हो जाता है।
यहाँ से आगे इस पानी को जैसे ही नीचे गिरेगा तो उसको काली नदी का नाम दिया गया है। ये काली माता का ऐतिहासिक मंदिर जो वेद व्यास जी ने जिसकी स्थापना की थी, और वेद व्यास जी को काली माता ने जब स्वप्न में दर्शन दिए तो तब उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। और ये जो काली नदी है जिसको हम काली नदी कह रहे हैं, यहाँ से इसका ये उद्गम स्थल है। और सामने जो ये बहुत विशाल पर्वत आप देख रहे हैं वो नदी के उस पार है, और यहाँ पर वेद व्यास जी ने एक गुफा बनाकर तपस्या की थी। वहीं पर काली माता स्वप्न में वेद व्यास जी को दिखी, फिर उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए उनसे कहा, तो ये काली का मंदिर स्थापित किया। आपने काला पानी का विवाद तो सुना ही होगा, ये जगह काला पानी है जहां हम खड़े हैं। काला पानी जगह है, वो है जिसको नेपाल अपने हिस्से में बताता है। तकरीबन 3 साल पहले नेपाल की पार्लियामेंट ने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, तीन चीजों को, तीन स्थानों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया था और पार्लियामेंट ने उस नक्शे को पास भी कर दिया था। ये वही काला पानी है जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दर्शाया था। तो ये एक दिखाने का मकसद था कि इस मंदिर से, ये मंदिर महाकाली नदी का यानी शारदा नदी जो टनकपुर से आगे शारदा हो जाती है उसका उद्गम स्थल है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए काला पानी के काली माता मंदिर से अजीत सिंह राठी। गाजियाबाद से बड़ी खबर।